नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभनाथ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल सौरभनाथ फाइनेंशियल एडवाइजर पे। आज हम जानेंगे पर्सनल गोल्ड लोन स्टेट बैंक में कैसे लिया जाता है, कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, 15 मार्च का हमारे पास अपडेटेड वर्जन आया है तो हम इसको जान लेते हैं। तो गोल्ड लोन के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ गोल्ड लेके अपना शाखा में जाएंगे, शाखा में केवाईसी लेके जाएंगे और ब्रांच मैनेजर से हम संपर्क करेंगे और वो हमें अपना गोल्ड लोन दे देते हैं। तो चलिए चलिए देख लेते हैं उसमें हमें जरूरत क्या क्या पड़ती है और आज हम क्या क्या जाने हैं गोल्ड लोन के बारे में, ये भी जान लेते हैं। गोल्ड लोन कितने प्रकार के होते हैं आज हम ये जानेंगे, हम यही जानेंगे किस प्रकार के गोल्ड लोन मिलेगा, किस प्रकार के गोल्ड पे हमें गोल्ड लोन मिलेगा, गोल्ड लोन की डिटेल्स जान लेंगे इसमें दो लोन की, और डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं वो जानेंगे हम इसमें। आइए देख लेते हैं गोल्ड लोन के प्रकार क्या होते हैं। गोल्ड लोन एक जैसे पर्सनल गोल्ड लोन होता है अमूमन तौर पे दिया जाता है जिसमें ईएमआई होती है, एक गोल्ड लोन होता है ओवरड्राफ्ट बेसिस पे जिसमें हम ओवरड्राफ्ट देते हैं करंट अकाउंट की तरह होता है वो, एक बुलेट रिपेमेंट होता है जिसमें 12 महीने में उसे बंद करना होता है, और रियलिटी बुलेट रिपेमेंट होता है जो हाउसिंग लोन में जिसको हमें मार्जिन इनकम पड़ जाती है उन लोगों के लिए ये रियलिटी वाली स्कीम्स है, ये हम आगे अपने लोन के अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम एक दो लोन के बारे में डिस्कस करेंगे वो हम जान लेते हैं। गोल्ड के प्रकार पहले देख लेते हैं, गोल्ड के प्रकार कौन कौन से होते हैं। हम सोचते हैं कि हम हर किसी चीज पे गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड के आभूषणों पे, जैसे कि हम गोल्ड के आभूषण लोग पहनते हैं उस पे मिल सकता है, या फिर गोल्ड के कॉइन जो बैंक से लिए जाते हैं उस पे मिलता है। गोल्ड के कॉइन पे भी एक शर्त है कि 50 ग्राम से ज्यादा हर कस्टमर को उससे ज्यादा का गोल्ड लोन नहीं दे सकते। अब गोल्ड लोन के बिस्किट पे लोग सोचते हैं कि लोन के बिस्किट पे लोन मिलेगा, वो सब नहीं मिल सकता, गोल्ड लोन के बिस्किट पे गोल्ड लोन नहीं मिलेगा। गोल्ड लोन की स्कीम जान लेते हैं, दो तरह की स्कीमें हैं गोल्ड लोन की जो हम जानेंगे आज, वैसे तो है 6 तरह की, एक स्टाफ के लिए 7 तरह की स्कीम है, परंतु आज हम दो स्कीमों को जानेंगे, एक तो ईएमआई बेस्ड और एक ओवरड्राफ्ट बेस्ड। तो हम अभी जान लेते हैं ईएमआई वाली स्कीम क्या होती है। ट्रेडिशनल वे होता है ये, पुराने जैसे पुराने जमाने में भी साहूकार के पास पैसे रख के आप गोल्ड रख के पैसा लेते थे, वैसा ही है कि बैंक में आप गोल्ड रख के पैसा ले सकते हैं। ये डिमांड लोन कहलाता है, जैसे कि एफडी का लोन होता है, आप उसमें भरने की जैसे जरूरत नहीं होती है, जिस समय आप लोन पूरा करते हैं उस समय पूरा भर सकते हैं। मार्जिन 25% होता है, अपनी तरफ से आपको 25% लगाना पड़ता है। इसमें रिपेमेंट 3 साल का होता है और इसमें प्री पेमेंट पेनल्टी निल होती है। तो आइए अपना दूसरी गोल्ड लोन की स्कीम जान लेते हैं वो क्या होती है। ये लिक्विड गोल्ड लोन कहा जाता है इसको, जो कि ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में दिया जाता है। इसमें सबसे बेहतरीन बात यह होती है कि हम इसमें चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी कस्टमर को देते हैं। इसमें ओवरड्राफ्ट मिलता है जैसे करंट अकाउंट का होता है, जितना आप पैसा आप निकालेंगे उसी पे ब्याज लगेगा। अगर आप पूरा पैसा भर के रखते हैं उसमें ब्याज नहीं लगता, जरूरत पड़ने पे आप उस पैसे को निकाल के यूज कर सकते हैं। मार्जिन इसमें ही 25% होता है कि मतलब अगर आपने 100 रुपए की जरूरत है तो बैंक 75 रुपए का लोन उसमें करेगा अगर आपके पास उतने का सोना है। 3 साल का इसकी अवधि होती है और इसमें भी कोई प्री पेनल्टी नहीं होती। आइए अब जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरत होते हैं गोल्ड लोन में। हमें कॉपी ऑफ ओवीडी, ओवीडी होता है हमारा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया जिसमें आपकी फोटो है और आपकी आईडी है, वो आपके ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं। 2 फोटोग्राफ लगती है आपकी और आपका रहने का जहां आप रहते हैं प्रमाण पत्र लगता है, जैसा कि आपका आधार कार्ड का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा ऐसी लेटेस्ट बैंकिंग अपडेट के लिए। धन्यवाद।